एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिता योर लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। फिलहाल आज बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि दोबारा से मुझे ना ये क्या कहते हैं फीवर हो गया था। यहाँ बाबू है, बिंदी लगा लिया है। ये भी जहाँ पे मैं लगाती हूँ ना, मेरा नोच करके ये लगा लेता है। तो इसको माइंड मत कीजिएगा कि हाँ लड़का है तो लड़की वाला, ऐसा अभी बच्चा है तो इसकी वजह से ये ऐसा कर लेता है कभी कभी। कभी कभी क्या, हमेशा ही करता है। जब आप बिंदी लगाओ ना, इसलिए मैं बिंदी मतलब मेरे सर मेरे माथे पे नहीं रहता। अभी जस्ट मैं लगाई थी और उखाड़ करके खुद लगा लिया। तो मैं आज बात कर रही हूँ, बार बार आप मेरे हाथ में ये देख रहे होंगे, ये है सेलिसिलिक आइसक्रीम फेस मास्क। सेलिसिलिक आइसक्रीम फेस मास्क है ये, जो कि चाइना से प्रोडक्ट आया है। तो सेलिसिलिक एसिड के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि स्किन के लिए ये जो है ना ग्लोइंग करता है स्किन को, मतलब अंदर से उभारता है, आपकी स्किन के डर्ट को हटाता है, आपकी स्किन के पोर्स को बंद करता है, प्लस बहुत ही अच्छा आपके स्किन के लिए होता है। ये मैं जानती हूँ, सेलिसिलिक एसिड स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा, सबसे मतलब कुल मिलाकर के सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। लेकिन यही है वो आइसक्रीम फेस मास्क जिसके बारे में जादुई के तरह दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे या फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाया, वाइप्स किया और तुरंत में गंदगी हट गया। जितने भी आपके फेस पे पोर्स है या फिर वो कील सब है, आपकी स्किन पे दाना है, दाग है, धब्बा है, वो सब खत्म हो जाता है। तो मैं इस चीज़ का रिव्यू आप लोगों के सामने में दे करके उसके बाद में दिखाई हुई हूँ। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हुए आगे दिखाती हूँ मैं इसका रिव्यू, जो कि रियल रिव्यू है। आप लोग देखेंगे तो देख करके आप लोग बताइए क्या ये सच है या फिर गलत है। और वीडियो को मतलब पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। और हाँ, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास में आसानी से चला जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से रिव्यू। तो जी हाँ गाइज, मैं यहाँ पे फेस वॉश कर ली हूँ बाबू वीडियो में आने के लिए, हाय बाय हेलो ये सब चीज़ करने के लिए। ये क्या कहते हैं, परेशान कर रहा था, वीडियो में आने का इसका बड़ा मन करता है। तो मैं यहाँ पे बिंदी बिंदी हटा ली हूँ, फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ अच्छे से। पहले आपको फेस वॉश यूज कर लेना है, फेस वॉश कर लेना है फेस पे, उसके बाद में ये सेलिसिलिक आइसक्रीम एसिड सेलिसिलिक आइसक्रीम फेस मास्क, उसको आपको अप्लाई करना है पूरे फेस और नेक पे और एंड ईयर पे भी। कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो नेक, ईयर एंड फेस दोनों तीनों पे करें, ताकि आपका स्किन टोन उभरता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपकी गर्दन और कान और चेहरा सभी पे पड़े, ताकि स्किन टोन अलग अलग नहीं दिखाई दे। तो मैं ऐसे करके अप्लाई कर लूँगी चारों तरफ। और बाबू को देखिए साइड से बोल रहा है कुछ कुछ और स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और आपको अगर इसको सर्च करना है किसी भी एप्लीकेशन पे, तो गाइज आप जाएं एप्लीकेशन खोले और उसके बाद में सर्च करेंगे आइसक्रीम फेस मास्क, तो वो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये अभी फेमस है। और भले ही ये इसका काम नहीं है, लेकिन हाँ फेमस है बहुत ही ज़्यादा। काम जैसा भी हो लेकिन फेमस नहीं होता है कि फेमस हो गया है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर ली हूँ, उसके बाद में 15 मिनट तक आपको छोड़ देना है पूरे फेस गर्दन पर अप्लाई करके, 15 मिनट छोड़ करके उसके बाद में फेस वॉश करना है। तो गाइज यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं पूरा ऑब्जॉर्ब कर लिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गंदगी निकल रहा है, यहाँ पे बाबू हाय हाय कर रहा था तो वही मैं दिखाई हूँ। तो देख सकते हैं कि कोई भी गंदगी नहीं निकला हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश पानी से फेस को वॉश कर रही हूँ अच्छे से, आपको वॉश कर लेना है। उसके बाद में देखिए कि यही कुछ इफ़ेक्ट मिला है जैसा कि आप सभी के सामने में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है आपको कि हाँ लगाते ही सारा जो कील मुहासे जो भी चीज़ होते हैं वो निकल जाते हैं, हट जाते हैं और फेस बिल्कुल ही गोरा हो जाता है। जी नहीं, आपका स्किन टोन जो है वही रहेगा, बस फेस मास्क है ये, नॉर्मल सा फेस मास्क है। मुझे नहीं पसंद आया गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं जिस टाइप से हुआ है उस टाइप से हमें मूर्ख बनाया जाता है। हाँ इफ़ेक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि नॉर्मल फेस मास्क का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप सभी जा करके ऑनलाइन अगर शॉप करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो बाई कर सकते हैं इसको। और
तो यही है रिजल्ट, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सामने में है आपके, तो यही रिजल्ट निकला है सैलिसिलिक आइसक्रीम एसिड का। तो जी हाँ गाइज, आप लोग जैसा कि देख चुके हैं वीडियो में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये जो सैलिसिलिक एसिड आइसक्रीम फेस मास्क है जो कि दिखाया जाता है वीडियो में, कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आएगा। तो इसका मैं आपको ये बताती हूँ, फायदा बताती हूँ और नुकसान बताती हूँ। ये जो दिखाते हैं ना कि ऐसे लगाए, रब किए, वाइप्स किए और सारे डर्ट बाहर, तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल सच बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ 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 बिलीव मत कीजिए। रहा बात इफ़ेक्ट, तो स्किन पे इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा, मतलब मैं इससे ज़्यादा अच्छा चाहूँगी कि मैं तो दूध लगाऊँ, रब करूँ और धो दूँ, उससे ज़्यादा स्किन क्लीन हो जाता है और आपके स्किन का जो डर्ट है वो ख़त्म हो जाता है। मैं कभी इस चीज़ का डेली रूटीन में शेयर करूँगी या फिर ब्लॉग कोई होगा तो उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कितना मतलब कि गंदगी निकलता है दूध लगाने से, ठीक है। तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, कुछ यूट्यूबर इसके बारे में, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ यूट्यूबर इस बारे में बहुत ही अच्छा ये दिखाएं कि हाँ ऐसा होता है, ये है वो है दिस है दैट है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि हाँ डर्ट खत्म हुआ है या फिर कुछ भी है। बस आप मतलब इसको नॉर्मल फेस मास्क की तरह ना, जैसे आप बाजारू फेस मास्क खरीदते हैं वही नॉर्मल फेस मास्क की तरह 15 दिन पे आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं ये दोबारा नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि मैं गलती कर दी मंगवा करके। मैं सोची कि चलो भाई इसके बारे में इतना मैं सुन रही हूँ, यूट्यूब पे भी इतना सारा वीडियो है, तो मैं थोड़ा जानूँ कि ये सही में मतलब डर्ट खत्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मंगाई हूँ, लेकिन रिजल्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा, मेरे स्किन के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि पता है। और ये अगर आप लोग चाहें तो मैं बता दूँ कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ये आपको 150-200 में मिल जा रहा है। तो जब ही मैं प्राइस देखी ना कि 150-200 में है, तभी मैं समझ गई थी कि नहीं ये मूर्ख बनाने वाला काम हो रहा है वीडियो पे, लेकिन मैं फिर भी यकीन करके मंगवाई कि चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्या है अगर वैसा होता, वैसा कुछ स्किन का मतलब लोचा होता कि हाँ पूरा डर्ट हटा देता है और क्लीन कर देता है, तो 1000-1500 में भी अगर मिलता ना, 50,000 में भी मिलता तो कैसे कैसे धनी मनी लोग है जो कि लगा लेते और गोरे हो जाते और हटा जाते। और एक बात कि अगर आपके स्किन टोन डार्क है तो वो आपको लाइट थोड़ा बहुत होगा, ये जो सोचता है ना लोग कि हाँ मेरा स्किन डार्क है, जैसे मैं सांवली हूँ और ये सोचूंगी मैं कि एकदम मैं दूध की तरह गोरी हो जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो हाँ लाइट थोड़ा सा आपका स्किन ग्लो करेगा, थोड़ा सा स्किन आपका ब्राइट होगा, लेकिन ये जो सोचिए कि मैं काली हूँ और गोरी हो जाऊंगी, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है आपकी स्किन पे। और ये भी नहीं डिपेंड करता है कि हाँ मैं खूब गोरी हो जाऊंगी तभी मैं सुंदर दिखूंगी, जी नहीं, अपने स्किन टोन में भी लोग सुंदर दिख सकता है, बस ग्लो आना चाहिए फेस पे। अगर ग्लो रहेगा ना और मुस्कुराहट रहेगा तो फेस ऑटोमेटिक है कि खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ को लेकर के मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुबली हो गई हूँ इधर, जिसके वजह से कि मुझे खुद का फेस खुद नहीं अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा और खान पान पे ध्यान दीजिएगा, स्किन ग्लो करेगा तो खुद ब खुद आप सुंदर लगेंगी। और हाँ ट्राई कीजिएगा कि होममेड जो रेमेडी सब होता है ना वो यूज करें फेस पे, या फिर नेचुरल चीज़ें यूज करें, ये ऐसा ये मुझे पसंद नहीं आया, ये बिल्कुल ये वाला है नो। और वीडियो जो है वीडियो बिल्कुल फेक है, उस पर बिलीव मत कीजिए आप लोग, और मंगवाना है तो आप लोग मंगवा सकते हैं क्योंकि ज्यादा प्राइस नहीं है। तो मैं लेकिन ये नहीं कहूंगी कि आप लोग मंगवाइए क्योंकि ये ठगाने वाला चीज है, मैं ठग गई हूँ तो आप लोग भी मत ठगिए, स्किन पे इफेक्ट ज्यादा नहीं करता है, बस इतना ही जान लीजिए। तो गाइज मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी अच्छे मुद्दे के साथ में। और हाँ कोरोना है तो कोरोना में प्लीज बच करके रहिए और यहाँ से हेल्दी होइए, क्योंकि माइंड से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। कल का बात मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड को फीवर हो गया था और 3 दिन से वो खाना नहीं खाए थे, जिसकी वजह से कि उनको वीकनेस हो रही थी। और कलेक्शन टाइम में ऐसा होता है ना कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मैं बना करके रखती थी लेकिन वो नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनको वीकनेस हो गया, फीवर हो गया तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कोरोना हो गया। उसके बाद में मैं उन्हें समझाई, डांट मतलब थोड़ा सा डांट करके मैं बोली थी उनको कि हाँ कोरोना हो गया करके, कोरोना ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा, मतलब दिस दैट जो भी होता है बीवियों का वो मैं बोली थी।
एंड देन उन्हें मैं काढ़ा दी लगातार, उन्हें इतना तक शक हो गया था कि मुझे स्मेल नहीं आ रहा है, ठीक है। और आज मॉर्निंग में मैं उन्हें कल 3 से 4 बार मैं काढ़ा बना करके दी। काढ़ा आपको बनाना है, दाल पानी पहले उबालना है, 2 कप पानी को 1 कप पानी कर देना है, ठीक है। पहले आप 2 कप पानी डाले, उसमें डाले 2-3 दालचीनी का दाना, उसमें लौंग बुक करके मतलब कूट करके लौंग को, और ये क्या कहते हैं काली मिर्च, उसको कूट के, अदरक को कूट करके उसमें डाले, और 2 कप पानी को जलाते जलाते 1 कप बना दे, और उसके बाद में उसमें नमक और घी डाल करके दे। किसी भी पेशेंट को अगर उस टाइप का हो रहा है, मतलब वीक होता है ना अंदर से, ये सब चीज़ तो इसलिए होता है क्योंकि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कोशिश करें सबसे पहली बात। और वैसा काढ़ा मैं बना करके दी, यही वाला काढ़ा मैं बना करके दी हूँ। आज मॉर्निंग में बोल रहे हैं जब स्प्रे किए हैं अपने ये पे बॉडी पे, क्योंकि उन्हें स्प्रे से ना बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और मुझे भी है सेंट स्प्रे, ये सब चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज जब स्प्रे किए तो बोल रहे हैं आज तो मुझे स्प्रे हो रहा है, गमक रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे स्मेल आ रहा है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो मुझे मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया और हंसी भी आई है कि मतलब मेंटली लोग जो है ना मेंटली ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो मेंटली बीमार नहीं हुई, आप ये सोचिए कि नहीं मैं नहीं होऊंगा बीमार, क्यों होऊंगा, मैं सेफ्टी के साथ में हूँ, मैं ही क्यों होंगी बीमार, मेरा बेबी ही क्यों होगा बीमार, जब मैं सेफ्टी के साथ में हूँ, काढ़ा पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ और सेफ हूँ, मास्क लगा करके कहीं भी जा रही हूँ, तो फिर मैं बीमार नहीं होंगी और मुझे नहीं पटेगा। क्यों 10% जो लोग बीमार हो रहे हैं, 50% ही मानिए, अगर 100 में से 50% बीमार हो रहा है लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि 50% में से जो बीमार है उसी में से हम लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी पावर को और मेंटली पावर को इतना ज़्यादा बढ़ाइए कि आप लोग मतलब आपको ये लगे कि जी नहीं, अगर आए भी बीमारी ना छू करके निकल जाए, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ से मजबूत रहिए और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, खूब सारा मतलब छाछ दही ये सब चीज़ पीजिए। आज तो मतलब न्यूज़ में भी मैं सुनी हूँ कि गर्म पानी ये सब चीज़ ढेर सारा उसका उपाय है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं काढ़ा का रेसिपी जो है, काढ़ा कैसे बनाते हैं, मैं कैसे बना करके दी हूँ हस्बैंड को और क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जब वो आएंगे मैं काढ़ा बनाऊँगी तो मैं उसका स्पेशल वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को टाटा बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जरूरी पड़े तो ही निकलिएगा, ज़्यादा जरूरी पड़े तो, वरना ये सोचिए कि नहीं मैं सेफ हूँ, घर में ही रहूँ, सेफ रहूँ। तो वैसे करके रहिए, सेफ्टी बरतिए और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बच्चों को ज़्यादा साफ सफाई से रखिए, सेफ्टी से रखिए, ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आने दीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय।